ए का मान दिया है 4 और बी का मान दिया है तथा मतलब और बी का मान दिया है -3, तो कहता है इसका मान निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन उतारूंगा, ठीक है, ये वाला, इसको मैं ऐसे करके उतार दिया। नाउ बराबर दूंगा, बट्टा खींच लूंगा, एक है तो एक दे दूंगा, प्लस है तो प्लस दे दूंगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, वो ये याद रखना है कि दो चीजों के बीच में कुछ नहीं रहेगा, ना तो गुना रहेगा, जैसे कि मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो 2 भी है ना, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, यह हमेशा याद रखना है, ठीक है। लेकिन ये केवल अंक रहेगा तब न लगेगा, 13 है तो इसको भी ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। देखिए, या तो दो अननोन नंबर रहना चाहिए, अननोन नंबर यानी कि एक्स वाई, ऐसे अगर एक्स एक्स के या वाई के जगह पर कुछ भी रह सकता है, यानी कि या तो ए से लेकर जार तक में कुछ रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो एक रहना चाहिए, ए से लेकर जार तक में एक कोई अंक रहना चाहिए। जैसे कैसे, मान लीजिए मैंने लिखा 5y, तो ये ठीक है 5 × y, ऐसे करके, क्लियर ना। लेकिन अगर ऐसा रहेगा 25, तब दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो तब गुना नहीं होगा, तब 25 का 25 होगा, यानी कि 25 का 25। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर है ना, दोनों मतलब नंबर है, डिजिट है, तो इसमें ये अप्लाई नहीं होगा। दोनों में से या तो दोनों क्या रहना चाहिए, अननोन नंबर, यानी कि ऐसे लेके जाए तक, या तो एक नोन रहना चाहिए, एक अननोन रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि नोन मतलब जान पहचान का, यानी कि 1, 2, 3, 4 काउंटिंग वाला नंबर, अननोन यानी कि ऐसे लेके जाए तक, तो ऐसे लेके जाए तक एक तरीके से मैथमेटिक्स में क्या हो गया, अननोन नंबर क्या हो गया, अननोन नंबर जिसको आप नहीं जानते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 क्या हो गया, नोन हो गया, जिसको आप जानते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 हो जाएगा, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना हो गया, ठीक है। बी है तो बी का वैल्यू था आपके बुक में, यानी कि क्वेश्चन में दिया है -3, तो -3 हो जाएगा, क्लियर। 2 है तो 2, फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना, बी का वैल्यू -3 तो -3, फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस, ए का वैल्यू 4 है तो मैं क्या दे देंगे, 4 दे दूंगा मैं, ठीक है, क्या दे दूंगा, 4 दे दूंगा, ठीक है, लकीर खींचूंगा। फिर देखिए 1 तो 1, प्लस तो प्लस, 2 तो 2, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, फिर बी का -3 कहाँ से आया, बी का -3 कहाँ से, यहाँ से आया, ठीक है, 2 तो 2, फिर गुना तो गुना, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, बी का वैल्यू कहाँ से आया, -3 यहाँ से आया, फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस, ये है, ए का वैल्यू 4 है, यहाँ से आया 4, दोनों दिया है ना गिवन में प्रश्न से। अच्छा, नाउ बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट है नहीं, ओ यानी कि ऑफ यानी कि का वो भी नहीं है, डी डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई का होगा, तो एक है तो एक उतार देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई का तो अपने साइन का करेंगे, चिन्ह का करेंगे, यानी कि प्लस और माइनस, यानी कि प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, द्वितीया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ पर छुपा हुआ है, शुरू में कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस है, छुपा हुआ है, तो यहाँ भी अपने गुना का बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो प्लस इंटू माइनस, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, द्वितीया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्लियर, प्लस 4 उतार देंगे, क्लियर। नाउ बराबर देखिए बट्टा, फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो शुरू में कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, छुपा रहता है, भले आप दीजिए या ना दीजिए, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से गया तो 5, चिन्ह वही संख्या का, दोनों में से बड़ा कौन है, 6 का चिन्ह माइनस हो गया तो माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गया तो 2, ठीक है, दोनों में से बड़ा कौन है, 6 का चिन्ह माइनस है तो माइनस हो गया, क्लियर। अब यहाँ भी माइनस ये कट गया, ठीक है, तो क्या बचा, 5/2 यानी कि 5/2 बचा, ठीक है, क्लियर, प्लस माइनस माइनस, 6 में से गया तो 5, देखिए दोनों में से बड़ा कौन होगा, जैसे ऐसे करके होगा ना, मान लीजिए ऐसे कर दे देगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, जोड़ेंगे 4, 3, 7, लेकिन चिन्ह देंगे बड़ी संख्या का, बड़ा कौन है, 4 है, 4 का चिन्ह माइनस माइनस इस टाइप पर, ठीक है, तो यहाँ भी वही है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से गया तो 5, दोनों में से बड़ा 6 है, 6 का चिन्ह माइनस तो माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गया तो 2, दोनों में से बड़ा 6 है, 6 का चिन्ह माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस कट गया, 5/2 आंसर,